प्रैक्टिकली हमें किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, फोकस किस तरीके से करना चाहिए। देखो मैं सिंपल इतनी बात बोलूंगा कि इट्स अ मैटर ऑफ हैबिट, इट्स अ मैटर ऑफ हैबिट। हमारी आदत अगर डिस्ट्रैक्शन की है तो वी विल कीप ऑन बीइंग डिस्ट्रैक्टेड, ठीक है। लेकिन अगर हमारी हैबिट है फोकस रहने की, यानी लिविंग इन द मोमेंट, जो कर रहे हैं वो अच्छे से करो, यानी अगली चीज क्या है जो भी आपने डिसाइड किया है उसमें फोकस ऑन वन थिंग एट अ टाइम, यानी जितने घंटे आप पढ़ाई कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल 5 घंटे कर रहे हो, 8 घंटे कर रहे हो, कितने घंटे कर रहे हो वो मैटर नहीं करता, व्हाट मैटर्स इज हाउ मच यू गेट डन इन दोज आवर्स, उन घंटों में आप कर क्या रहे हो वो मैटर करता है, समझ रहे हो ना। तो इसके लिए मैं प्रैक्टिकल स्टेप सिंपल इतना बता रहा हूँ कि सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि आपकी प्रोडक्टिविटी क्या है, यानी आप कितनी देर में कितना काम कर पाते हो, और धीरे धीरे अपनी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने की कोशिश करो। यानी 3 घंटे में फॉर एग्जाम्पल आपने एक्स अमाउंट किया, इतना क्वेश्चंस किया, इतना काम कवर किया, आगे उस ट्राई करो कि उसको आप ज़्यादा करो, यानी धीरे धीरे आपका ब्रेन ट्रेन हो जाएगा कम समय में ज़्यादा काम करने को, और धीरे धीरे क्या हो जाएगा, यू विल बिकम मोर एंड मोर फोकस्ड। अगर मैं सीधा आपको बोलूँगा ज़्यादा फोकस्ड हो जाओ, कहने से थोड़ी फोकस्ड हो जाओगे, लेकिन मैं प्रैक्टिकल तरीका बता रहा हूँ, इट्स अ मैटर ऑफ हैबिट। आपको 7 दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन तो लगेंगे यार, जो हैबिट इतनी पुरानी बन रखी होगी उसको बदलने में भी थोड़ा समय तो लगेगा, लेकिन याद रखना 7 दिन में तुम्हें रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे, गारंटेड है, समझ रहे हो ना। देन इट्स अ मैटर ऑफ हैबिट, अपने ब्रेन को ट्रेन करना शुरू करो और प्रोडक्टिविटी अपनी इंप्रूव करो। सबसे पहले अपना प्रोडक्टिविटी पहले चेक करो, और चेक करने के बाद क्या क्या चीज़ें आपकी प्रोडक्टिविटी को हैम्पर कर रही हैं उनको नोट करो, और नोट करने के बाद जो भी नेगेटिव चीज़ें उनको रिमूव करते जाओ और अच्छी चीज़ों को लाते जाओ।